तो दोस्तों आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम में से हो सकती है, हेल्स पैराडाइज या कहें जिगोकू राकू का यूनिवर्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट समर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जहां हम हेल्स पैराडाइज के दिलचस्प कैरेक्टर्स, कमाल का यूनिवर्स और इसके रोमांचक थीम के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की, तो कर देना यार प्लीज। अब वीडियो पे आते हैं और सबसे पहले हेल्स पैराडाइज के यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी गाबीमारू से। गाबीमारू द हॉलो जो कि एक खतरनाक निंजा है, उसका मिशन है एलेक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढना, जिससे वो अपने हर क्राइम को माफ करवा के अपनी जिंदगी अच्छे से अपनी वाइफ के साथ जी सकता है। अब जो लोग एलेक्सिर ऑफ लाइफ के बारे में नहीं जानते, तो एलेक्सिर ऑफ लाइफ एक तरह का अमृत है जो किसी को भी इमोर्टैलिटी, एक्सटर्नल लाइफ और इटर्नल जूत दे सकता है। लेकिन यह मिशन इतना भी आसान नहीं है। यह मिशन एक मिस्टीरियस आइलैंड पे प्लेस करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स को इस आइलैंड पे भेजा जाता है, तो एक तरह से आप इसको बैटल रॉयल बोल सकते हो जो निंजास के बीच होती है। और ये आइलैंड जो भरा हुआ है अजीब से बींग और ट्रैप्स के साथ, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब सबसे पहले इसके आउटर यूनिवर्स की बात करते हैं। तो हेल्स पैराडाइज का यूनिवर्स एक अल्टरनेट वर्जन है एडो पीरियड ऑफ जापान का। यहाँ पे मार्शल आर्ट्स और मैजिक दोनों ही काफी प्रचलित हैं, और मुख्य पात्र जो कि अपनी अनोखी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं और आपस में लड़ते हैं उस आइलैंड पे जाके जिसकी हमने बात ही की है। साथ ही काफी ज्यादा पजल्स को भी सॉल्व करते हैं। उन्हें पाना है एलेक्सिर ऑफ लाइफ। और उस आइलैंड की बात करें तो यह आइलैंड काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे कई ज्यादा सेक्टर्स हैं जहाँ डिफरेंट टाइप के बींग्स हैं। कुछ तो फ्रेंड्स हैं और कुछ एनिमीज, पर कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस हैं, और आपको पता नहीं वो कब क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्स पैराडाइज के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले गाबीमारू द हॉलो, जिसे लोग इमोशनलेस किलर भी समझते हैं, लेकिन वो असल में अपनी वाइफ के प्रति काफी गहरी फीलिंग्स रखता है और उसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस आइलैंड पे जाने के लिए भी। फिर आती है जोजुरिहा, जो कि एक चतुर कनौजी है, अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जवंती। और अंत में सागिरी जो कि एक सैमुराई है। अब ये सैमुराई क्यों है? सागिरी और गाबीमारू ये दोनों पेयर में काम करते हैं। सागिरी एक तरह से एक एग्जीक्यूशनर है गाबीमारू के लिए, अगर गाबीमारू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और सागिरी का मेन गोल है अपनी लाइफ में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखना, तो ये गाबीमारू को किसी भी तरह से ढील तो देने वाली है नहीं। इसके बाद में आते हैं इसके थीम्स पर। हेल्स पैराडाइज एनिमे सिर्फ फिजिकल दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी है। यह एनिमे जीवन, मृत्यु और ह्यूमैनिटी के होने के मीनिंग के थीम्स को गहराई से छू लेता है। हर एक कैरेक्टर को अपने अनोखे बैक स्टोरी दिए जाते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को, तो आप समझ सकते हो कि इस बैक स्टोरीज भी कितनी बेहतरीन होंगी। इसके अलावा भी हेल्स पैराडाइज में बहुत कुछ है जो कि इसको देखने के लायक बनाता है, जैसे कि ब्लेंड ऑफ हॉरर, एक्शन और ड्रामा। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ एक्सपेंडेड वर्ल्ड जो आपको अपने अंदर पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी टॉप नॉच स्टोरी लाइन जो कि काफी बेहतरीन है यार। तो दोस्तों यह थी हेल्स पैराडाइज यूनिवर्स की एक हल्की सी झलक। हेल्स पैराडाइज यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ कल्पना से परिकल्पना तक, जहाँ मैजिक, मार्शल आर्ट्स, मॉन्स्टर्स, मिस्ट्रीज के साथ मिलके एक चार्मिंग यूनिवर्स का निर्माण होता है। अगर आपने इसे देखा है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको यह क्यों अच्छा लगा, और अगर नहीं देखा तो जाके अभी देखिए यार। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं समर अलविदा लेता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।